बेटा देखो, जैसे आप केमिस्ट्री में बॉन्ड्स पढ़ते हैं कि भाई दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, मैथमेटिक्स में आप भी ऐसे कुछ पढ़ते हैं, शेयरिंग वगैरह पढ़ते हैं, ऐसे ही बायोलॉजी में जो है, जब दो न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं तो उनके उन मिलने की जो लोकेशन होती है उस लोकेशन को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। मतलब सिनेप्स वो लोकेशन है जहां पर दो न्यूरॉन्स मिलते हैं, जिसमें पहले न्यूरॉन का एग्जॉन का इंड होता है और दूसरे न्यूरॉन का जो होता है डेंड्रॉन का इंड होता है, मतलब जहां से वो रिसीव करता है। तो सिनेप्स क्या है? दो न्यूरॉन्स की मिक्सिंग है। दो न्यूरॉन्स जब आपस मिलते हैं तो अगर आप सिनेप्स का डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं सिनेप्स इज, ऐसे लिख सकते हैं ए सिनेप्स इज, अब मैं एनसीईआरटी डिफिनेशन लिख रहा हूँ, फॉर्ड बाई ए सिनेप्स इज फॉर्ड बाई, ऐसे लिख सकते हैं आप, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ए सिनेप्स इज फॉर्ड बाई प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्रो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन विच में भी, देखिएगा ध्यान रखिएगा यहां पे, विच में आर मे नॉट बी, विच में आर मे नॉट बी सेपरेटेड बाई सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें तीन शब्द आपको मिल रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो शब्द मिला है कि सिनेप्स जो है बनता है, पहला प्रिसिनेप्टिक न्यूरॉन्स है, दूसरा पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन्स है, और तीसरा उनके जो गैप में होता है उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। मतलब किसी भी सिनेप्स में मैक्सिमम तीन जो है कंपोनेंट होते हैं, एक प्रिसिनेप्टिक न्यूरॉन होता है, एक पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन होता है, और उनके बीच भी गैप होता है, उसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बारे में इंसर्ट लिखा है कि मे आर मे नॉट भी लिखा है, मतलब ये समझना है कि सिनेप्स हो भी सकता है और सिनेप्स नहीं भी, ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। या अगर आप इसी बात कैसे डायरेक्ट लिखे कि सर देखिए सिनेप्स इज इक्वल टू, सीधे ऐसे लिखिए कि सिनेप्स इज इक्वल टू, पहला होता है जैसे प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, ये पहला कंपोनेंट हो गया प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, दूसरा हो गया बीच में जो गैप होता है उसे हम लोग सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ये देखिए सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, और तीसरा जो इसका पार्ट होता है उसे हम लोग पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। किसी भी सिनेप्स में आपको तीन कंपोनेंट दिखेंगे, लेकिन ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो किसी भी सिनेप्स में तीन चीजें होती है, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, तीन मैक्सिमम कंपोनेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं है तो मैक्सिमम कंपोनेंट दो हो सकते हैं। अगर आपको सिनेप्स के बारे में पूछे कोई, तो आप ऐसे लिखिए द टर्म सिनेप्स वाज, द टर्म सिनेप्स वाज कॉइंड बाई, द सर टर्म सिनेप्स वाज कॉइंड बाई, कॉइंड बाई आप ऐसे लिख दीजिए सेरिंगटन, एक साइंटिस्ट है इनका नाम है सेरिंगटन, इन्होंने सबसे पहले सिनेप्स शब्द का इस्तेमाल किया था। ये फिजिसिस्ट है ब्रिटिश के, इन्होंने सबसे पहले सिनेप्स का इस्तेमाल किया था। अगर आप कभी सिनेप्स बनाते हैं तो ये देखिए, ये पहला न्यूरॉन का एक्सॉन होता है, इसमें एक्शन एक्शन पोटेंशियल ऐसे आती है, ये देखिए। अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो लिखिए सर ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है। अगर आप मेम्ब्रेन का नाम लिखना चाहते हैं तो, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए सर ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है पहले न्यूरॉन का एंड होता है, ये जो होता है पहले न्यूरॉन का यह तो एग्जाम ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जाम ही एक्शन पोटेंशियल को आगे ट्रेवल करते हैं सोमा सिप की तरफ से। दूसरा देखिए, ये दूसरा कंपोनेंट है इसका, ये इसे हम लोग पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं या पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, ये आपको सीखना है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये किसी भी न्यूरॉन का एग्जॉन सॉरी डेंड्राइट हो सकता है, क्योंकि ये रिसीव कर रहा है,
ये पंप नहीं कर रहा है। जब स्टिम्यूलस को कोई रिसीव करता है तो उसे हम लोग डेंड्राइट कहेंगे। अगले न्यूरॉन का ये डेंड्राइट हो सकता है और ये पहले न्यूरॉन का एग्जॉन हो सकता है, और इनके बीच में ये जो गैप है जहां पर खास तरह का फ्लूइड भरा हुआ है, इस गैप को हम लोग सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। इस तरह से आप देखिए, किसी भी न्यूरॉन में तीन चीजें होती हैं, किसी भी सिनेप्स में एक होती है प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दूसरा होता ही है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और तीसरा होता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये किसी भी डेंड्राइट हो सकता है, या ये कोई मसल हो सकती है, मसल सेल हो सकती है, या कोई रिसेप्टर हो सकता है। तो अगर आप इसके टाइप्स देखिए तो नाम एक बार देख लें फिर देखा जाएगा, हम आपको एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टाइप्स अगर आप देखें तो पहला जो सिनेप्स होता है बिटवीन एग्जॉन एंड एग्जॉन, बहुत रेयर होता है एग्जॉन एंड एग्जॉन, ये एग्जॉन और एग्जॉन के बीच में अगर होता है तो ये बहुत ही रेयर पाया जाता है। ये हमारी बॉडी में सबसे रेयर सिनेप्स है, इसे हम लोग एग्जो एग्जॉनिक सिनेप्स कहते हैं, एग्जो एग्जॉनिक सिनेप्स कहते हैं। बहुत ही रेयर है, आपको जनरली ये नहीं मिलेगा, बहुत रेयर कंडीशन है। दूसरा होता है एग्जो डेंड्राइटिक सिनेप्स, ये देखिए एग्जो डेंड्राइटिक सिनेप्स, ये देखिए एग्जो डेंड्राइटिक सिनेप्स, संयोग से ये सिनेप्स आपके सामने बना है। पहले नर्व सेल का एग्जॉन और दूसरे नर्व सेल का डेंड्राइट्स इसे बनाते हैं। ये पहले नर्व सेल का एग्जॉन है, दूसरे नर्व सेल का डेंड्राइट्स है जो सिनेप्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तीसरा अगर आप देखें तो होता है न्यूरो मस्कुलर सिनेप्स, न्यूरो मस्कुलर सिनेप्स, न्यूरो मस्कुलर सिनेप्स, ये जो सिनेप्स होता है न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में होता है। ये देखिए न्यूरो मस्कुलर सिनेप्स होता है, ये अगर आपको इसको फिगर बनाना हो तो आप ऐसे कहेंगे सर ये देखिए मसल सेल है, ये मसल सेल है और इस पे ये जो न्यूरॉन्स आ रहे हैं, न्यूरॉन्स का नाम मोटर न्यूरॉन है। ये देखिए एक और होता है न्यूरो ग्लैंडुलर सिनेप्स, न्यूरो ग्लैंडुलर सिनेप्स, ये ग्लैंड्स के सेक्रेशन में कंट्रोल करते हैं, इनको भी आपको सीखना है। ग्लैंड्स के कंट्रोल में जब सिनेप्स, कोई कोई न्यूरॉन जब ग्लैंड को कंट्रोल करता है तो ये सिनेप्स बनता है। तो ये चार सिनेप्स हैं जो नर्व सेल के आधार पर चलते हैं। अब आखिर सिनेप्स काम कैसे करता है ये देखना है। अब आपको देखा है मैकेनिज्म देखने के सिनेप्स आखिर काम कैसे करता है। तो ये देखिए ये नर्व सेल, यहां पर आप देख लें सिनेप्स एक्चुअली काम कैसे करता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये जो है पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये देखिए ये प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और बीच में जो जगह है उसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। चाहे आप यहां लिख लें कि ये प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, या मैं दूसरी जगह बना के आपको दिखाता हूं, एक बार आप फिर से इसको देख लें, समझ लें, स्पेस हमें चाहिए नहीं तो बनेगा नहीं। ये देखिए, तो अगर आपको सिनेप्स देखना है, समझना है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सर ये देखिए ये प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये वाली नाम लिख लीजिए इसका कि सर ये प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यहां पर आप ऐसे लिख लें कि ये प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। यहां पर लिखें कि सर ये जो है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये जो गैप है इसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ये एक्शन पोटेंशियल है जो ट्रेवल कर रही है ना। अब आइए स्टेप देखा जाए कैसे सिनेप्स काम करता है, कैसे सिनेप्स काम करता है यही देखना है। स्टेप्स देखिए कैसे सिनेप्स काम कर रहा है। सबसे पहले देखिए स्टेप्स अगर आप देख रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल पहला स्टेप है, ये एक्शन पोटेंशियल रीचेस एट प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक्शन पोटेंशियल रीचेस एट प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये पहला स्टेप है। अब इस बात को सीखें ये क्यों लिखा गया, ये बात एक्शन पोटेंशियल रीचेस एज प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, मतलब ये पहली नर्व सेल का क्या है, अगर आप इसे समझें तो ये पहली नर्व सेल का एग्जॉन है। ये एग्जॉन जहां से जनरेट हुआ होगा उसे एग्जॉन हिलक कहते हैं,
वहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई होगी और एक्शन पोटेंशियल मूव करते हुए प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास आती है। तो ये प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पहले से क्या होगी, पहले से पोलराइज होगी। बोलिए क्या होगी, पोलराइज। ये क्या होगी, पोलराइज। और ये जो आ रहा है ये क्या है, डीपोलराइज है। तो ये जो पोलराइज प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी। तो देखिए आप कमेंट लिख सकते हैं, देखिए पोलराइज्ड, पोलराइज्ड, पोलराइज्ड मतलब आप समझ रहे हैं अंदर का चार्ज माइनस 70 मिलीवोल्ट है। पोलराइज्ड प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोलराइज्ड प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोलराइज्ड प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन नाउ गेट डीपोलराइज। जो पोलराइज्ड प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज्ड हो गई। ये दूसरा स्टेप है, मतलब ये जो पोलराइज्ड थी अंदर का चार्ज नेगेटिव था बाहर का पॉजिटिव था वो रिवर्स कर गया। यही मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया भी, ये डीपोलराइज हो गई। जैसे ही ये डीपोलराइज हो गई तो अब देखिए काम हुआ, यहां पर एक खास तरह के चैनल्स हैं, इनको कैल्शियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल्स कहते हैं, और इन चैनल्स के द्वारा कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ। मतलब प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे कैल्शियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, वोल्टेज चेंज होने के कारण। अब देखिए सी कमेंट लिखिए, कैल्शियम आयन इंटर्स इनसाइड, कैल्शियम आयन इंटर्स इनसाइड प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर कैल्शियम आयन की एंट्री हुई। ये देखिए ये चौथा ऑप्शन, पहले एक्शन पोटेंशियल आया तो पोलराइज से डीपोलराइज हुई, एक्शन पोटेंशियल आया पोलराइज से डीपोलराइज हुई, कैल्शियम आयन सेल के अंदर गया, कैल्शियम आयन सब सेल के अंदर गया तो यहां पर वेसिकल्स का फॉर्मेशन हुआ। इन वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं, क्या भरे हुए हैं, अब आप यहां पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में हटा देता हूं। इन वेसिकल्स में खास तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए हैं, मैं न्यूरोट्रांसमीटर में एक नाम ले लेता हूं, उसका नाम एसिटिल कोलीन है। एसिटिल कोलीन को शॉर्ट में लोग ACH कहते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इस वेसिकल्स में पैक होकर के यहां पर आए, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आए, और इनका जो रिसेप्टर है वो पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर है। एसिटिल कोलीन का जो रिसेप्टर्स है वो पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे है। तो आप लिख सकते हैं नाउ न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरो ट्रांसमीटर्स पैक्ड इन वेसिकल्स, पैक्ड इन वेसिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स वेसिकल्स में पैक हो गए। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स, मैं अगर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर वो जो है एसिटिल कोलीन है वो पैक हो गया, एंड एक्सोसाइटोस आउटसाइड, एक्सोसाइटोस इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट, वो जो वेसिकल्स हैं वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में पंप हो गई। देखिए पंप हो गई ये वेसिकल्स, यहां पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में पंप हो गई। अब क्या होगा देखिए, अब अगला पंप होगा कॉन्सेप्ट, देखिए एसिटिल कोलीन शॉर्ट में ACH लिखते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर है, बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर, एसिटिल कोलीन बाइंड्स टू इट्स क्या बेटा, रिसेप्टर। रिसेप्टर कहां पे है, अगर मैं पूछूं ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एसिटिल कोलीन अपने रिसेप्टर से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे बाइंड कर गया। ये देखिए, मतलब ऐसे आप कह सकते हैं कि सर ये जो केमिकल्स यहां से निकले, ये जो केमिकल्स निकले एसिटिल कोलीन, ये यहां पर आया और ये अपने रिसेप्टर से यहां पर बाइंड कर गया। ये देखिए बाइंड कर गया, जब बाइंड कर गया तो अगला आप कमेंट देखें, सो सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ, मतलब इस सेल के अंदर सोडियम अंदर आयन अंदर आए, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम अंदर आए, लेकिन इसके उल्टा पोटेशियम आयन बाहर गए। सोडियम आयन का इन्फ्लक्स एंड पोटेशियम आयन का इफ्लक्स हुआ। देखिए आप इस बात को समझे, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ और पोटेशियम आयन का इफ्लक्स हुआ।
सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ, सोडियम अंदर आया पोस्टनेटिव मेम्ब्रेन पे, पोटेशियम बाहर गया, सोडियम आयन इन्फ्लक्स एंड पोटेशियम आयन इफ्लक्स टेक्स प्लेस इन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, देखिए ध्यान से सुने, बाहर का सोडियम अंदर आया और अंदर का पोटेशियम बाहर गया, किस पे? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे. ईएफ है, ईएफजी अगर आप देखें, सो अ न्यू एक्शन पोटेंशियल, सो अ न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट इन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. जब सोडियम अंदर आया और पोटेशियम बाहर गया तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे नई एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई. नई एक्शन पोटेंशियल ऐसे जनरेट भी होती है भाई, आपने यही तो पढ़ा है, पोलराइज डीपोलराइज तभी होगा जब बाहर का सोडियम अंदर आए और अंदर का पोटेशियम बाहर जाए. तो नई एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई, वो एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ बढ़ गई. अब आपने ये नहीं पूछा कि एस्टल कोलीन का क्या होगा, ये जो एस्टल कोलीन है उसका क्या होगा. अब आप देखिए, ये देखिए जी के बाद ये देखिए आप, एस्टिल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है. देखिए एंजाइम का नाम है एस्टिल कोलिनेस्ट्रेज ब्रेक्स एस्टल कोलीन इंटू कोलीन एंड एसिटिक एसिड, कोलीन एंड एसिटिक एसिड. ये बात आप देखिए, ये नंबर देखिए, जो एस्टल कोलीन यहां पर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जुड़ा था, वो एस्टल कोलीन दो चीजों में टूट गया, इसमें कोलीन में और एसिटिक एसिड में टूट गए. कोलीन में टूट गया और एसिटिक एसिड में टूट गया, किस पे? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे. फिर देखे जीएचआई, देखे कोलीन एंड एसिटिक एसिड, कोलीन एंड एसिटिक एसिड इज एब्जॉर्ब बाय प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड रिसिंथेसाइज्ड. मैंने फट से लिख दिया, बहुत शॉर्ट टर्म में लिखा, अपने आपको पूरी एक बार कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, आप सीख जाए. आप ऐसे समझिए, अगर आप किसी तरह से बात समझ ले कि अगर ये नर्व सेल की सोमा है, ये एग्जान है, तो इस एग्जान का जो एंड होगा वो प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन बनाएगा. मतलब पहली नर्व सेल का जो एग्जान का एंड होगा वो प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन बनाएगा, और अगली नर्व सेल का जो डेंड्रान होगा वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बनाएगा. तो जब एक्शन पोटेंशियल एग्जान हिलक से चलेगी तो प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास आएगी. प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पहले से क्या है? पोलराइज्ड है. उस एक्शन पोटेंशियल के आने से ये डीपोलराइज्ड हो जाएगी. जब डीपोलराइज्ड हो जाएगी तो बाहर से कैल्शियम अंदर आएगा. जब बाहर से कैल्शियम सेल के अंदर आएगा, मतलब प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आएगा, तो कैल्शियम यहां वेसिकल्स का फॉर्मेशन होगा करेगा, जिसमें एस्टल कोलीन का फॉर्मेशन होगा. वो एस्टल कोलीन बनेगा तो प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, लेकिन उसका रिसेप्टर पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे है, तो वो एस्टल कोलीन पैक होकर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा, जहां वेसिकल्स बर्स्ट कर जाएंगे और एस्टल कोलीन अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा. जब एस्टल कोलीन अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा तो बाहर से सोडियम अंदर आएगा, अंदर का पोटेशियम बाहर जाएगा, और उसका असर यह होगा कि यहां पर फिर से ये डीपोलराइज हो जाएगा और नई एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगी. मतलब यह हुआ कि जो पुरानी एक्शन पोटेंशियल है वो यहां खत्म हो गई, जबकि नई एक्शन पोटेंशियल को एक्शन एस्टल कोलीन ने जनरेट किया. हमारे कहने का मतलब यह है, अब होगा क्या कि जो एस्टल कोलीन यहां बाइंड किया, अगर वो बाइंड रखेगा तो यहां पर बार बार नई एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी, तो वो जो एक्शन पोटेंशियल यहां पर आई है उस एस्टल कोलीन को इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एक एंजाइम है जिसका नाम एस्टिल कोलीन स्टेज है, वो एस्टिल कोलीन स्टेज इस एस्टल कोलीन को पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे कोलीन प्लस एसिटिक एसिड में तोड़ डालता है. कहां पे? पोस्ट पे.
और वो कोलीन प्लस एसिटिक एसिड को फिर से प्रेसिपिटेट मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब करके और नई जो है एसिटाइल कोलीन का फॉर्मेशन कर देता है। इसका मतलब यह भी हुआ कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो रिसाइक्लेबल होते हैं। एसिटाइल कोलीन का फॉर्मेशन प्रेसिपिटेट मेम्ब्रेन पे हो रहा है और ब्रेक कहां कर रहा है, काम क्या कर रहा है, पोस्ट एपिक मेम्ब्रेन पे नई एक्सन प्रोटीन जनरेट करा रहा है और नई एक्सन प्रोटीन जनरेट करने के बाद कोलीन प्लस एसिटिक एसिड में टूट जा रहा है और टूटने के बाद उसको फिर से प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब करके फिर से उसका नया फॉर्मेशन कर रहा है। स्टेप देखें आप, सबसे पहले अगर आप देखें यहां समझें कि ये एक्सन पोटेंशियल है जो आपने जनरेट किया है पहले, वो एक्सन पोटेंशियल टेबल करके प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आ रही है। ये प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पहले से डीपोलराइज है जो रिपोलराइज हो गई, सॉरी पहले से पोलराइज है फिर डीपोलराइज हो गई। डीपोलराइज होने के कारण बाहर से कैल्शियम अंदर आया, इसका मतलब प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे कैल्शियम का चैनल होता है। और दूसरी बात यह भी हुई कि एक्सन प्रोटीन को कंडक्ट करने में कैल्शियम का रोल भी होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। जब कैल्शियम अंदर आया तो यहाँ पर वेसिकल्स का फॉर्मेशन हुआ और फिर वेसिकल्स बनने के बाद यहाँ पर एसिटाइल कोलीन का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर जो एसिटाइल कोलीन का फॉर्मेशन कर रहा है वो यहाँ पर पड़े हुए माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, फिर वो एसिटाइल कोलीन मूव करके सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ रहा है जहां वेसिकल्स बर्स्ट कर रही है और एसिटाइल कोलीन का रिसेप्टर पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे है, वो अपने रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है। जैसे ही अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है तो बाहर से सोडियम अंदर आता है, अंदर का पोटेशियम बाहर जाता है, एक नई एक्सन प्रोटीन जनरेट होती है जो फिर आगे से बढ़ जाती है और वो जो एसिटाइल कोलीन है कोलीन प्लस एसिटिक एसिड टूट जा रहा है पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, क्योंकि इसके पास एक खास तरह के एंजाइम है जिसका नाम है, ये देखिए बड़ा सा नाम है, एसिटाइल कोलीन स्टेज नाम है। ये एंजाइम है पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास, ये इसको कोलीन प्लस एसिटिक एसिड में तोड़ रहा है। ये कोलीन प्लस एसिटिक एसिड जो यहाँ पर टूट रहे हैं इनको फिर से रिब्जॉर्ब करके नया एसिटाइल कोलीन का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस तरह से एक्शन पोटेंशियल यूनिडायरेक्शनल एज ए हार्ट वाल्व, जैसे हार्ट वाल्व हार्ट का वाल्व होता है ऐसे वाल्व की तरह कंडक्ट हो रही है, मतलब जो एक्शन पोटेंशियल आगे जा रहा है वो रिवर्स करके बैक नहीं जाता है, ये कहना चाहता हूं मैं। मतलब एक्शन का पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल और हार्ट के वाल्व दोनों के काम करने के तरीके एक जैसे हैं, क्योंकि वो आए हुए हार्ट का वाल्व आए हुए ब्लड को लौटे नहीं देता है और एक्शन पोटेंशियल में जो प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन है आए हुए एक्शन पोटेंशियल को बैक नहीं करने देते हैं बल्कि फिर से उसको रिवर्स कर देते हैं। इस तरह से ये एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट होती है। अब आइए मैं आपको प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंस बताता हूं। ये देखिए अब आपको प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में डिफरेंस देखना है। प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसे कौन बनाता है तो आप कहेंगे सर इसका फॉर्मेशन एक्जाना फर्स्ट नर्व सेल करती है। एक्जाना फर्स्ट नर्व सेल मतलब पहली नर्व सेल का एक्जान जो होती है वो प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। ये देखिए अगर आपको इसको लिखना होगा तो फाड़ भाई ये सकते हैं डेंड्रॉन ऑफ एनदर नर्व सेल जो दूसरी नर्व सेल है उसका डेंड्रॉन इसे बनाता है। ये पहला डिफरेंस हो गया, मतलब ये डेंड्रॉन है दूसरी नर्व सेल का, ये पहली नर्व सेल का एग्जान है, ये पहला हो गया। दूसरा अगर आप देखें तो कैल्शियम आयन का यहां पर इन्फ्लक्स होता है, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, यहां पर नो इन्फ्लक्स, यहां पर ऐसी कोई भी हरकत नहीं है पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, दूसरा हो गया। तीसरा देखें अगर आप ध्यान से देखें तो ओरिजिनल एक्शन पोटेंशियल जो ऊपर से आ रही है ओरिजिनल एक्शन पोटेंशियल टर्मिनेट्स हियर, वो प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे खत्म हो जाती है, टर्मिनेट्स हियर। यहां पर जो नई वाली पुरानी वाली जो एक्शन पोटेंशियल थी जो ऊपर से बनी हुई थी वो खत्म हो गई, तो आखिर उसने किया क्या, उसके बनने का फायदा क्या हुआ, उसके बनने का फायदा ये हुआ कि यहां से यहां एसिटाइल कोलीन निकल के बाहर आया, सिर्फ इतना फायदा हुआ। जबकि अगर आप यहां देखें तो नई एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई, आप यहां कह सकते हैं न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट्स, ये आप कह सकते हैं पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे नई एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है। तीसरा और डिफरेंस देख लें आप, यहां पर एसिटाइल कोलीन का फॉर्मेशन होता है, ये देखिए एसिटिल कोलीन क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका फॉर्मेशन होता है, ये देखिए एसिटाइल कोलीन का फॉर्मेशन होता है
और एक्सोसाइटोसिस होती है। यहां पर देखें, यहां पर एसिटिल कोलीन ब्रेक्स इनटू कोलीन प्लस एसिटिक एसिड, कोलीन एंड कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड, कौन सा एंजाइम है जिसको तोड़ रहा है, बाई एस्टिल कोलीन स्टेज। पोस्ट एप्टिक मेम्ब्रेन पे एस्टिल कोलीन स्टेज है जिसको तोड़ डाल रहा है, किसको, एस्टिल कोलीन को, कोलीन प्लस एसिटिक एसिड में तोड़ डाल रहा है पोस्ट एप्टिक मेम्ब्रेन पे। और देखिए यहां पर एस्टिल कोलीन के रिसेप्टर्स अब्सेंट हैं, रिसेप्टर्स प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर अब्सेंट है। अगर आपसे मैं पूछूं यहां पर क्या है, तो आप कहेंगे सर एस्टिल कोलीन का रिसेप्टर पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। ये देखिए और भी आप डिफरेंस देख सकते हैं, यहां पर सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो रहा है, मतलब सोडियम आयन अंदर आ रहा है, और पोटेशियम आयन का इफ्लक्स हो रहा है इस मेम्ब्रेन पे। यहां पर नो सच एक्टिविटी। इस तरह से आप देखें तो प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन का ये मेजर डिफरेंस है। अब आइए मैं आपको टाइप्स ऑफ सिनेप्स पढ़ाता हूं। एनसीईआरटी ने बेटा दो तरह के सिनेप्स सिखाए हैं, मैंने दोनों के नाम लिख दिया है, एक तरफ लिखा है केमिकल सिनेप्स, एक तरफ लिखा है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तो अगर आप दोनों सिनेप्स में डिफरेंस देखना चाहते हैं, कॉमन इन ह्यूमन बॉडी, आपको ह्यूमन बॉडी में हर जगह आपको ये दिखाई पड़ेगी, एनसीईआरटी की लाइनें हैं, अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा। यहां देखिए इलेक्ट्रिकल सिनेप्स रेयर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में ये सिनेप्स बहुत ही रेयर है। ये देखिए, इवन आपको बता दूं ये केवल हार्ट में जब एक्शन पोटेंशियल का कंडक्शन होता है तब ये मिलते हैं। दोनों डिफरेंस क्या है देखिए, यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन होता है। न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन मतलब जैसे अभी आपने पढ़ा वो जो सिनेप्स दिख रहा है वो केमिकल सिनेप्स है। जैसे अभी आपने पढ़ा ना कि किसका केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन हो रहा है, एस्टिल कोलीन का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इस वाले में नो एनी न्यूरोट्रांसमीटर, इसमें किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो एनी न्यूरोट्रांसमीटर, सीधा प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन से सीधे पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ये सिनेप्स बनता है। मतलब बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट की जो बीच की स्पेस है ये भी काफी कम होती है। जैसे अगर आपको मैं बताऊं कि यहां पर जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट की अगर आप साइज देखें तो लगभग ये 200 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन अगर आप इसकी साइज देखें यहां पर तो ये 20 नैनोमीटर की होती है सिनेप्टिक क्लेफ्ट की। ये देखिए कैन बी ब्लॉक्ड बाय इसे ब्लॉक किया जा सकता है बाय ड्रग्स, इसे ड्रग्स के द्वारा ब्लॉक किया जा सकता है। अगर आप न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर दें तो पोस्ट पे आएगा ही नहीं, तो नहीं एक्सेल प्रोसेस जनरेट ही नहीं होगी। भाई जो एस्टिल कोलीन यहां से यहां मूव करके आ रही है, अगर इसको आप एस्टिल कोलीन को ब्लॉक कर दें तो क्या वो मूव करके पोस्ट पे आएगी, नहीं आएगी। तो ये देखिए कैन बी ब्लॉक्ड बाय ड्रग्स, डू नॉट ब्लॉक्ड, इसे आप ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। अगर ये चल गई एसए नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ एस से प्रोपेंज फाइबर पे ये एक्शन पोटेंशियल चलेगी, तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हमारी बॉडी में रेयर है, हार्ट में पाए जाते हैं, जबकि केमिकल सिनेप्स हमारी बॉडी में जो है कॉमन है, हर जगह पर बॉडी में पाए जाते हैं। इस तरह से मैंने आपको सिनेप्स के दो टाइप पढ़ा दिए।